गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, आप हिंदी की व्याकरण निकालेंगे। हिंदी की व्याकरण में से आप फर्स्ट चैप्टर निकालेंगे। फर्स्ट चैप्टर में है भाषा और व्याकरण। इसकी हम ये पढ़ चुके हैं। इसकी एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन आंसर किए थे, भाषा का क्या अर्थ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया था, भाषा के कितने भेद हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। तीन भेद हैं ना, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। फिर लिपि किसे कहते हैं, उसके बाद व्याकरण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। ये सब हमने एक्सरसाइज की थी। इसके बाद जो बुक में एक्सरसाइज है वो हमारे अब करेंगे हम। चित्रों को देखकर लिखिए कि ये भाषा का कौन सा रूप है। चित्रों को देखकर लिखिए कि ये भाषा का कौन सा रूप है। ये देखो ये लिख रहे हैं तो ये लिखित भाषा, लिखित भाषा। ये संकेत करके बता रहे हैं ना कि इधर जाइए, तो सांकेतिक भाषा। और ये मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा है। ख में भाषा का मूल रूप लिखित है, भाषा का मूल रूप लिखित है। हिंदी की लिपि देवनागरी है, हिंदी की लिपि देवनागरी है। व्याकरण के तीन प्रमुख भाग हैं, व्याकरण के तीन प्रमुख भाग हैं। पढ़कर सामने लिखिए कि ये भाषा का कौन सा रूप है। पुस्तक तो लिखित भाषा, टीवी मौखिक भाषा, टेलीफोन पर बातचीत मौखिक भाषा, फैक्स लिखित भाषा। निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए, संस्कृत, देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरुमुखी। तो बच्चों ये आपको चैप्टर लर्न करना है, इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको लर्न करने हैं। ओके।